हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुद करके देखें। आइए आज बचे हुए कपड़ों से कुछ बनाएंगे। जब हम काम करते हैं सिलाई का तो कपड़े काफ़ी बच जाते हैं, छोटे बड़े। कई बार ऐसा होता है कि पैंट वगैरह जब बनाते हैं हम तो काफ़ी बड़ा कपड़ा बच जाता है और उसको हम ऐसे वेस्ट फेंक देते हैं। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ आप लोगों को बना के दिखाऊंगी कि आप लोग भी सोचेंगे कि बचे हुए कपड़े से हम ये सब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो जो भी कपड़ा बचेगा उसको आप कभी नहीं फेंकेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पास बचे हुए। ये सब मैंने बचा के रखे हुए थे काफ़ी दिन से। तो ये मैंने इस तरह से ले लिया है, एक कपड़ा एक तरफ का और एक तरफ का। तो मेजरमेंट जो भी होगा मैं मेंशन करती जाऊँगी, साथ साथ आप देखते रहिए। तो इन सब कपड़ों को मैंने अच्छे से बिछा के और प्रेस कर लिया है, और इसके ऊपर ये मेरे पास एक स्पंज पड़ी थी, वाटरप्रूफ है ये मैंने लगा ली है। इसमें आप जो हमारे पास आटे का या दाल चावल जो भी लेके आते हैं बड़े कट्टे में, वो कट्टा हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो ये मैंने तीनों चीज़ आपस में सेट करके और इनके ऊपर से सिलाई लगा ली है। अभी इसके बाद देखो हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और जो बंद बाग की तरफ बचेगा नीचे उस पर कोनों पर हम एक बॉक्स बनाएंगे, 2.5 बाई 2.5 या 3 बाई 3, ये डिपेंड करता है जो हमने साइड में पट्टी जो करनी है वो कितनी चौड़ी है उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 2.5 बाई 2.5 लगाया है। अब ये इस दोनों कोने हम कट कर लेंगे। कोने कट करने के बाद जितना भी चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा या स्पंज जो भी निकला है उसको कट करके फाइन कर लेंगे। इसको करने के बाद फिर हम बनाएंगे स्टेप जो हमें हैंडल बनाने हैं। तो ये मैंने ले ली हैं 10 बाई 2 की दो पट्टियाँ, 10 बाई 2 की एक, और इस तरह से फोल्ड करके इस पे लगा दी है मैंने सिलाई। और अभी जो हमारा जहाँ पे हमने लगाना है ये ऊपर उस पर ये मैंने 4-4 इंच का दोनों तरफ से लगा दिया है। वैसे मैं मेजरमेंट साथ साथ लिखती जाऊँगी, फिर से बता रही हूँ। और 2.5-3 इंच नीचे की तरफ करेंगे, उसके ऊपर फिर हम ये स्टेप लगा देंगे इस तरह से चकोर, एक 1 बाई 1 का एक बना लेंगे बॉक्स और उसमें इस तरह से क्रॉस वाइज करके और सिलाई लगा देंगे 4-5 बार, 2-2 बार हर जगह से घुमाएंगे। तो 4-5 बार ये लग जाएगा इधर उधर से सिलाई, तो फिर ये पक्का हो जाएगा। फिर हम इसमें जितना भी वजन डाल के ऐसे उठाएंगे तो ये जो स्टेप हम लगाएंगे हैंडल टूटने का खतरा नहीं रहेगा। तो ये इस तरह से लगाने के बाद ये देखिए ये लग चुकी हैं अच्छी तरह से। अभी हमें क्या करना है, छोटी छोटी स्टेप बनानी है, छोटी मतलब पतली, 7 इंच लंबी और 1/2 इंच तैयार होने के बाद मतलब 1 से 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा हम ले लेंगे। उसको भी इसी तरह से फोल्ड करके हम बना लेंगे जैसे कि बड़े वाले हैंडल हमने बनाए थे। और फिर जो ऊपरी भाग है इसके ऊपर देखिए मैंने सीधी तरफ से पट्टी लगाई है। इस पट्टी को लगा के अंदर की तरफ पलट के और फोल्ड करके अच्छी तरह से सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। आप चाहें तो इसके अंदर जेब भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो जहाँ पर मैंने ये डोरी लगाई है देखिए इस तरह से डोरी मैंने अटैच कर दी है, यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हैं या इसके मुंह पे पूरी जिप भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने एक इजी बताया है नॉर्मल यूज़ के लिए। तो इस पर मैंने लगा दी है ये स्टेप बांधने के लिए जो कि दोनों तरफ से बन जाएंगी। अब बारी आती है अंदर से सिलाई करने की। तो जब अंदर से हम सिलाई करेंगे तो दोनों फोल्ड करके जो बैग के लिए हमने तैयार किया है तीनों पल्ले उनको फोल्ड कर लेंगे और एक पट्टी साथ में ले लेंगे, 1.5 इंच की एक पट्टी और जितनी हमारी बैक की लेंथ है वो। ये तीनों चीज़ एक साथ हम सिलाई करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि अंदर की तरफ जो हमारा फैब्रिक रहेगा उसके धागे वागे ना निकले। और उसके बाद फिर जो ये नीचे मैंने बॉक्स बनाया था कट, उसको इस तरह से पकड़ के सिल देंगे और इस पर भी इसी तरह से पाइपिंग लगा देंगे, मतलब एक पट्टी लगा के अंदर से फोल्ड कर देंगे, पाइपिंग की तरह हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से ऐसे हम इसको कर लेंगे रेडी। ये देखिए ये हो गया है रेडी। अब इसको सीधा करके देखते हैं कितना अच्छा ये हमारा बैग बनके तैयार हो गया है। ये देखिए अब इसको हम प्रेस करेंगे, प्रेस करके और अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। बहुत सुंदर ये हमारा एक छोटा सा कैरी बैग बन गया है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये कटिंग्स का यूजफुल लगा कि नहीं आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर बने रहें, नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरी देखने के लिए आप सभी का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है,
आप लोगों को कोई और चीज़ बनवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप लोगों के लिए पूरी ट्राई करूंगी जो आप कहेंगे वही बनाने की। तो मेरा बैग तो हो गया है रेडी, अब है आपकी बारी। चलिए बची हुई कटिंग्स को उठाएं, या फिर पुराने सूट हों आपकी कुर्तियाँ, वो भी काफ़ी नई रहती हैं जब हम रिजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हैं, पुरानी बेडशीट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर, अब देर किस बात की है, उठाइए मशीन और बना लीजिए।